सुबह सुबह क्या कर रहा हो रहा है। और ये देखिए हमारी मैडम लगी हुई है कपड़े धोने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इंटरव्यू फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह की गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में आ गई थी 6:30 बजे ऊपर, यहाँ पे इतना अंधेरा था और पूरी धुंध आज छाई हुई है। कल का मौसम अच्छा था, लेकिन कुछ काम होते हैं घर के जिसे बहुएं टाल नहीं सकती, जो फर्ज है वो निभाना है। तो फिर इसी बारे मैंने कुछ पर्दे थे जो धोए थे, क्योंकि आपकी दीवार अब फ्रेंड्स मैं कहती हूँ ना, भगवान भी हमेशा साथ रहते हैं। आपकी दिवाली पे आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, हमने मतलब घर में सबके बीमार होने के कारण दिवाली नहीं मनाई थी, तो भगवान जी ने हमें एक और मौका दिया। 22 जनवरी को मनाइए दिवाली, घर की साफ़ सफाई कीजिए, घर को नीट एंड क्लीन कीजिए। तो हम साफ़ सफाई करी, पूरा डस्टिंग वस्टिंग करी है और सारे घर के पर्दे सब कपड़े धो दिए हैं। अभी पायदान और ग्लिचर धुल रहा है और बच्चे भी नीचे लगे हुए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि कल राम जी आ रहे हैं। 22 जनवरी अपने घर में भी महा उत्सव बनाइएगा, उनका स्वागत कीजिएगा फूलों से, दीपों की माला से। और अभी आपको मैं अपने मंदिर का दृश्य दिखाऊंगी, जहाँ पे रामचरितमानस रखी गई है, तो वहाँ पे भी आपको लेके जाऊंगी। सुंदर पाठ है और कल भोग पड़ेगा, फिर भंडारा है, शाम को दीपों की माला का उत्सव है, तो वो भी देख के आएंगे, तो आपको भी दिखाऊँगी जरूर। सिंगापुरी चाउमीन पनीर वाली, और ये मैंने सारे वेजिटेबल्स को रख दिया है अपना, इसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च डाली है। सोया तो खत्म हो गया था, इनके पापा ने मुझे ला के दे दिया मार्केट से। और ये हरी मिर्च वाला है जीबा का चिल्ली वाला, तो फ्रेंड्स ये है सिंगापुरी चाउमीन जिसे हमने मतलब बनाया है और घर में ही बना ली मैंने। अब बच्चे कहते हैं मम्मी आप सिंगापुरी वाली खिला दो, तो मैंने कहा चलो सिंगापुरी। और सबको मैंने नीचे से भी इनविटेशन देके ऊपर बुला लिया है, क्योंकि नीचे बैठे थे सारे, हम यहाँ राम जी के भजन चलाएंगे और खाना खाएंगे। हमारे सिंगापुरी चाउमीन का कलर देखो केसरी रंग है, जो हमारे राम जी के चोले का रंग होता है, ये हमारे राम जी का प्रतीक है। तो आज मैंने बच्चों को ऑरेंज खिलाया है कुछ बना के केसरिया रंग, और कल हम बनाएंगे कुछ पकवान, मीठे में भी कुछ बनाएंगे, घर में नहीं बनाएंगे, बाजार से लेके आएंगे, बट बनाएंगे। और कल हम दीप दिवाली जलाएंगे और कैसी लगी बच्चों सिंगापुरी चाउमीन? चाय है हाँ? दादी का बना दिया, कैसी बनी है? सही बनी है? पीयू कैसी बनी है? मम्मी मस्त। अंशु आप भी नीचे बैठ के खाओ। तो फ्रेंड्स हम खा रहे हैं सिंगापुरी चाउमीन और हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है 12:20 पे। अब हम रोटी कब खाएंगे फ्रेंड्स? अब रोटी के लिए कुछ सोचे। अंशु इधर होके बैठ गेट से, आपकी कहाँ है?
तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में और दोपहर में हमने आपको दिखाया था 12 बजे खाई थी सिंगापुरी चाउमीन। उसके खाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया क्योंकि बहुत सुबह काम किया था और मेरे सारे कर्टन्स वगैरह जो मैंने धोए थे वो बिल्कुल सूख चुके थे। खाना खाने के बाद मैंने सारे कपड़े आपको दिखाए थे, सुबह धोए दिए थे और सिंगापुरी चाउमीन खाई थी। दिन में भूख नहीं लगी और फिर हमारे यहाँ पर निकल रही थी जल्लूस नगर भगवान जी का सारा रथ यात्रा, तो शोभा यात्रा में गए थोड़ी देर, वहाँ पे भंडारा खाया हमने, बहुत इंजॉय किया, आपको मैं व्लॉग में भी डालूंगी। फिर थोड़ी देर आके सो गए थे। अब मैं सो के उठी हूँ तो मैंने भिगोई थी फ्रेंड्स चने की दाल, और चने की दाल से मैं बनाऊंगी कुछ स्वीट्स, मतलब कुछ मीठा। तो आप सोचोगे क्या बना रही हैं, तो मैं वो आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। फुल ब्लॉग देखना तब पता लगेगा आपको चने की दाल से मैं कौन सी चीज़ बना रही हूँ भगवान श्री राम जी के लिए। तो यहाँ पे बन रही है राम जी की कल के रामलला जन्म के उत्सव में, तो ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ मैं मीठे में क्या बना रही हूँ। चने की दाल और इससे बनेगा कुछ मीठा हमारे राम जी के लिए। मिक्सर में ग्राइंडर कर लूँगी इसको, ना हम बारीक करेंगे ना पेस्ट बनाएंगे, इसको हल्का दरदरा रखेंगे, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। इसको मैंने 3 घंटे के लिए सोख लिया है। यहाँ मैंने रख ली थी अपनी कढ़ाई और मैंने दाल को बिल्कुल बिना पानी के पीसा है, हल्का दरदरा, इसमें गांठे भी नहीं है और कोई दाल भी नहीं है, लेकिन ये दरदरी है, पेस्ट नहीं, हल्का सा फेंट के सीधा इसकी पकौड़ियाँ उतारूँगी। अभी आप देखना चने की दाल से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पकौड़े तल रही हूँ और आपको लगेगा मैं बना रही थी पकौड़ियों की सब्जी, तो हाँ कुछ इसी तरीके से समझेंगे आप लोग। उसको मीडियम गैस पे करना है, गैस को मीडियम रखना। तो फ्रेंड्स आप देखिए अभी आपको पूरा व्लॉग मिलेगा। ये एक स्वीट्स है, आपको लग रहे होंगे दाल के पकौड़े, और सच में हमारे पकौड़े यहाँ हो गए हैं तैयार। और कल ये हो रहा है राम जी के स्वागत के लिए, कल जब मैं सुबह नहा धो के तैयार होंगी तो उनको भोग लगाऊंगी। अब ये मत कहना ऐसी पकौड़ियाँ खिलाएगी अपने राम जी को, तो हाँ सच में फ्रेंड्स मैं ऐसी ही पकौड़ियाँ खिलाऊंगी अपने राम जी को। अब देखना इससे क्या मीठा बनेगा, चने की दाल की पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। और ये एक तरफ मैंने रख दी है फ्रेंड्स चाशनी और थोड़े सा पानी, और मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी मतलब मीठा करने के लिए चाशनी रखी है। अब तुम कहो, आप लोग कहोगे पकौड़ियों में चाशनी का क्या काम है, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर, ये है हमारा रेड वाला, आप पीला हो तो पीला भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और इलायची दाना भी डालेंगे इसमें, ठीक है। और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, 0 पे कर लेंगे इसको, मतलब तार की चाशनी नहीं बनानी है हमने इसकी। पहले हम अपनी पकौड़ियों को पीस लेंगे, तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना पकाना है कि हमारी सारी चीनी घुल जाए, ठीक है ना, बस, और हल्का सा चिपचिपापन आ जाए तो आ जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी चाशनी में यहाँ से 0 कर देंगे थोड़ा सा। और ये हमारा है मिक्सर, जो ग्राइंडर छोटा वाला ले सकते हैं बड़ा, और फिर हम इन पकौड़ियों को करेंगे। आप कहोगे ये तो अभी पीसी थी फिर पकौड़ियाँ बनाई बिना ही पीस, पहले पकौड़ियाँ बनाई क्यों थी, तो हम पहले ठंडी वाली पकौड़ी जो हमने पहले उतारी थी वो ले, तो डर गई। अभी हमारी प्लेट थी, हम इसमें दानेदार पकौड़ी पीस के उतार लिए। ये देखिए ये दानेदार हमने पीसनी है, बिल्कुल महीन नहीं करना, पाउडर नहीं करना। और यहाँ पे हमने ये डाल दिया इलायची पाउडर, और अभी हमारी करने तो बेटा समझ, ये देखिए ये हमने अभी हमारी चीनी बिल्कुल खुली नहीं है, और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा अभी बंद में जब तक इसको पीस रही हूँ। यहाँ पे हमारी ये दानेदार बिल्कुल आपके मतलब बिल्कुल दानेदार हमारी पकौड़ियाँ तैयार हैं, और फिर हम दोबारा बंद कर लेंगे हम गैस को, और हमने ये सारा इसमें डाल दिया है। अब आपको शायद फ्रेंड्स पता लग गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, तो आप सही जा रहे हैं। और यहाँ पे हम राम जी के भजन गाते हुए
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देसी घी में बनाए हैं तो देसी घी और डाल लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, जिसमें हमने पकौड़ी उतारी थी वही डाल लीजिएगा आप। ये देखिए, और इसको ठंडा होने के बाद सीधा लड्डू बनेंगे। धीरे धीरे मैं बनाती हूँ, अभी आप लेंगे। हम अपने एक हाथ से ही बनाना, बच्चों को मतलब बनाने मत देना, या फिर जो भी बनाए एक साइड से। इग्नोर करना फ्रेंड्स, हाथ पे लिप्स बनाए थे। ये देखिए, ये वही लड्डू है जो मैंने बनाए हैं, इनका कल सुबह राम जी को भोग लगेगा भोले बाबा को, ठीक है। और ये मेरे दो लड्डू इसमें, मतलब पूरे इसमें नहीं आए थे तो मैंने इसमें कर दिए थे, प्रॉपर बनाने के बाद मैंने आपको दिखा दिया हमारे लड्डू। तो यहाँ बन रही थी गर्मा गर्म रोटियाँ, पतिदेव को भूख लग रही थी। फ्रेंड्स आज हमने सुबह की चाउमीन खाई है, वही जो 12 बजे 1 बजे खाया था खाना, उसके बाद नहीं खाया। और प्रसाद खाया था थोड़ा सा भंडारे का, पूरी आलू की सब्जी, वो भी हमने बाहर देखने गए थे तो वहाँ पे हमें प्रसाद मिल गया। तो फ्रेंड्स कल भी इतना मजा आएगा, हमारे मंदिर में भी भंडारा होगा, और कल मतलब आज ना सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और यहाँ पे मम्मी रोटी सेक रही है। और आज का हमने वीडियो में, आज की वीडियो में हमने दिखाया कि हमारे यहाँ से एक आज का ब्लॉग फ्रेंड्स पूरा देखिएगा कंप्लीट। चाप हमने चाप बनाई है, और साथ में सादे फुलके हैं, कोई मैंने आज सैलेड नहीं काटा, सैलेड का सब सामान था, लेकिन फ्रेंड ठंडा मौसम था रात के टाइम, और इतनी मतलब मेरे को औरों का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ठंड है, और ठंड भी ऐसी है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, काम नहीं करती। हमारे बच्चों को भी छोटी छोटी प्लेटों में सर्व कर रही हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को ना, थोड़ी सी ना फ्रेंड ना ठंड लग भी चुकी है। मजा आ गया बस बस, और नहीं रहूंगा ये लिए लो और नहीं होगा पापा के साथ खाने के बाद। तो अभी मिलते हैं हम खाना खाने के बाद, चाप विद रोटी, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ये देखिए आज मैंने नाइट सूट पहना है, थोड़ा टाइट था लेकिन पहन लिया। और यहाँ देखिए फिर एक बार हमने केसरी रंग को यूज किया हमने, और आज जो हमने सब्जी बनाई थी फ्रेंड वो भी केसरी रंग की थी। तो जब राम लला ने आना ही है तो क्यों नहीं हम एक दिन पहले से ही स्वागत के लिए बैठे। तो आज फिर हमने केसरी रंग की जलेबी लाए और भगवान जी को भोग लगाई है, जिसका रंग बिल्कुल केसरिया रंग है। तो एक बार हाथ फिर हम बोलेंगे सब मिलकर जय श्री राम। आज हमने केसरी रंग की चाउमीन बनाई, केसरी रंग के लड्डू बनाए, केसरी रंग की जलेबी बनाई, और केसरी रंग के चाप बनाई है। तो हम सब मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए केसरी रंग को यूज करके एक बार फिर मेरा छोटा सा, मेरा छोटा सा ही काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का फुल ब्लॉग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, राम जी का रथ है इसमें, और भोलेनाथ का डमरू है, राधा कृष्ण जी की झांकी है, और साथ में केसरी रंग का हर खाने में रंग है और स्वाद है। इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, और प्लीज जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने को। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं आपसे कल नहीं सुबह के साथ।